हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ साइंस एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट एसिड्स एंड बेसिस एंड देयर प्रॉपर्टीज एज वेल एज देयर यूजेज एंड डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस एक्सेट्रा। We use many substances in our daily life. Some of them are shown here. हम daily life में बहुत सारी चीज़ों का use करते हैं, कुछ हमें यहाँ पर बताई गई हैं। Like here, curd, tamarind, baking soda, amla, vinegar, sugar solution, etc. In our everyday life, we eat different kinds of food that have different tastes. It is due to unique chemical composition present in each food. Depending on the different chemicals present in the food, substances can be acids, bases and salts. हमारी डेली लाइफ में हम कई तरह के फूड्स को खाते हैं, उनके टेस्ट अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी भी चीज़ को खाते हैं उसका टेस्ट हमें अलग इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एक यूनिक केमिकल कंपोजिशन हर एक फूड में होता है, जिसकी वजह से हमें वो फूड डिफरेंट लगता है। ये सब्सटेंसेस जो इनमें फूड में होते हैं वो एसिड, बेस और सॉल्ट होते हैं। इनकी वजह से फूड हमें डिफरेंट टेस्ट के लगते हैं। एसिड्स, ऑल एसिड्स टेस्ट सॉल्ट। सभी एसिड्स जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स, एसिड्स कितने तरह के होते हैं? एसिड्स आर टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स दैट ऑकर नेचुरली इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। वो एसिड जो हमें एनिमल्स में, नेचर से एनिमल्स में, प्लांट्स और प्लांट से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे ऑरेंज, लेमन, आंवला एक्सेट्रा, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। लाइक हियर, ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ एसिड हैं जिनसे हमें एसिड प्राप्त होता है, नेचुरल सोर्स है। मिनरल एसिड, एसिड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन नेचर। मतलब नेचर में जो मिनरल्स होता है जिससे हमें एसिड मिलता है उन्हें हम मिनरल एसिड बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसके एग्जाम्पल। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एसिड्स आर सॉल्ट इन टेस्ट, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये दे आर कॉरोज इन नेचर, दे कैन कॉरोड और स्पॉइल क्लॉथ, पेपर एंड इवन मेटल्स। एसिड्स जो होते हैं वो क्लॉथ को, पेपर को या मेटल को भी स्पॉइल कर सकते हैं। उनके साथ केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं। दैट इज़ वाई दे आर स्टोर्ड इन ग्लास बॉटल। इसी वजह से एसिड्स को हमेशा ग्लास की बॉटल में ही रखा जाता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होते हैं। दे कैन कॉज बर्न, ये हमें जला भी सकते हैं। इसीलिए जब भी हम एसिड का इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सावधानी से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यूजेज ऑफ एसिड्स, एसिड्स के क्या यूजेज होते हैं? यहाँ पे है टाइप्स ऑफ एसिड्स, केमिकल फार्मूला, कॉमन नेम और उनके क्या यूजेज होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है टॉयलेट क्लीनर के लिए इसके काम में आता है। ये मेटल क्लीनर, इससे मेक शुगर एंड ब्लू, शुगर और ब्लू भी बनाने के काम में आता है। कार्बोनिक एसिड क्लब सोडा या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के काम में आता है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बैटरीज में यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड वॉट्स को रिमूव करने में काम में आता है। बेसिस, सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर कॉल्ड बेसिस। वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर हों, कड़वे हों और टच करने पे सोपी, साबुन जैसे होते हैं, उन्हें हम बेसिस बोलते हैं। बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं वो अल्कलाइज कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बेसिस आर बेटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। दे आर स्लिपरी टू टच, छूने पे स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉरोज इन नेचर, ये नेचर में ये भी रिएक्ट कर जाते हैं नेचर के साथ। दे मे और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलनशील भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस का यूजेस क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप्स, टेक्सटाइल्स, ओवन क्लीनर्स एक्सेट्रा में इसका यूज़ होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मेकिंग सोप्स एंड टेक्सटाइल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एंटा एसिड के रूप में इसका यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एस्ट्रिंजेंट के रूप में, ये लाइम वाटर होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्लीनिंग सॉल्यूशन, अमोनिया टू रिव्यू एंड अनकॉन्शियस पर्सन एज फर्टिलाइजर में इसका यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट में, सोडियम फॉस्फेट ये भी डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज़ होता है।